नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी क्रिएटिव चैनल। दोस्तों सबसे पहले मैं इसको रिसेट कर देता हूं, ये है रिसेट का बटन। दोस्तों ये एक टाइमर है, इसके बारे में आपको बताता हूं। ये जो है 5 पिन वाला टाइमर है। सबसे पहले इसकी खासियत बताता हूँ दोस्तों, ये वो चीज़ है, आप अपनी चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हो कि ये चीज़ कब ऑन हो जाए और कब ऑफ़ हो जाए। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी सबमर्सिबल मोटर हर रोज़ 2 घंटे चले और ऑफ़ हो जाए, तो ये वो कर देगा। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके घर के जो बल्ब्स हैं वो हर रोज़ शाम के 6 बजे चालू हो जाए और सवेरे 6 बजे ऑफ़ हो जाए, तो वो भी ये चीज़ कर देगा। यानी कि आप पूरे हफ्ते भर का पूरा शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ कब चालू करना है और कब बंद करना है। तो उसको आपको करना है किस तरह है, तो आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरा मैं समझाऊंगा और इसके ऊपर शेड्यूल जो हैं वो चीज़ें कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बात करूंगा। इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके बारे में इसका जो अनबॉक्सिंग है मैंने पिछले वीडियो में बना दिया, या फिर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको इस टाइमर के बारे में बताता हूँ। ये जो है 5 पिन वाला टाइमर है, ये ऑपरेट होता है 12 वोल्ट पे। यहाँ पे आपको 5 पिन देखने को मिलेंगे, ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है। आपको ऐसे बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे जो कि 12 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। कुछ मॉडल्स हैं 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाएंगे और कुछ मॉडल्स हैं 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाएंगे। मैंने ये 12 वोल्ट वाला मंगाया क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर जोड़ूंगा ताकि इसको कोई खतरा ना हो। ठीक है, आप कोई भी चीज़ मंगा सकते हो। यहाँ पे पहला और दूसरा ये हुआ बैटरी या फिर ट्रांसफार्मर के, ठीक है, प्लस और माइनस जोड़ने के। और यहाँ पे जो 3 जो पॉइंट है वो है NO और NC, ठीक है। तो ये जो 5वां जो पिन है ये है कॉमन, आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ से जुड़ा है। यानी कि फिलहाल 3रा और 5वां जो पिन है इन दोनों की कंटिन्यूटी बन चुकी है और 4था और 5वां टूट चुका है। ठीक है, यहाँ पर टूट चुका है। अगर हम इसको टाइमिंग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4था और 5वां जुड़ जाएगा और अभी फिलहाल में 3रा और 5वां जुड़ा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ दिया, यानी कि 4था और 5वां फिलहाल में ये जो पॉइंट है ये टूट चुका है, इसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, जैसे हम टाइमिंग लगाएं तो इसके अंदर कंटिन्यूटी बन जाएगी। यहाँ पे 3रा और 5वां है ये जो है नॉर्मली क्लोज्ड है और 4था और 5वां ये है नॉर्मली ओपन। तो मैं नॉर्मली ओपन को ये 2 तार जोड़ दिए हैं, ये हुई पहली बात। चलिए अभी इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जोड़ना होगा इसको बैटरी को और इसको जोड़ना होगा आप जो चीज़ को आप ऑन करना है, यानी कि शेड्यूल के अनुसार उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ जानेंगे, आपको लास्ट में प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। सबसे पहले मैं इसके जो कनेक्शन है वो पूरे कर देता हूँ और फिर बाकी की चीज़ों के बारे में आपको समझा देता हूँ। कनेक्शन करते वक्त हमें ये प्लस का प्लस में जोड़ देना है बैटरी के और ये जो है माइनस का माइनस में जोड़ देना है बैटरी के। आपको इसको करंट जो है वो हमेशा दे के रखना है, ये तभी काम करेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक क्लॉक है, क्लॉक के अनुसार आपकी सारी चीज़ें होंगी। और इसके अंदर एक रिले मॉड्यूल है, उस रिले मॉड्यूल को एक्टिवेट करने के लिए हमें लगेगा 12 वोल्ट। और ये जो है हमने जोड़ दिए हैं, कट पॉइंट है हमारा, यानी कि फिलहाल टूटी है। तो मेरे पास एक चीज़ है जो कि हमारी कंटिन्यूटी को जान सकती है, देखिए। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके अंदर एक बल्ब जल जाता है। तो चलिए इसको मैं जोड़ देता हूँ इन तारों को। ये फिलहाल जो 2 तार हैं जो जुड़े हैं टाइमर को, ये जो हैं फिलहाल टूटे हुए हैं, इसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं बनती है। अगर कंटिन्यूटी बनती तो इसके अंदर लाइट जल जाता। ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, ये तो बात हुआ। चलिए अभी इसको समझ लेते हैं। ये एक घड़ी है या फिर टाइमर बोल सकते हैं। तो इसको आपको करना क्या है, तो यहाँ पर एक इंडिकेटर मिल जाएगा ताकि आपकी चीज़ ऑन हो चुकी है या फिर नहीं वो बताएगा। ये जो है रिसेट का बटन है, ये है मैनुअल का, ये है क्लॉक टाइमर डे हावर मिनट। ये सबसे पहले बात करते हैं इस मिनट की। तो मिनट की बात इस तरह है, यहाँ पर देखिए ऑफ और यहाँ पर एक आपको काली रेख दिख रही है। ठीक है, तो इसको आप अगर टाइमर ऑटो में रखना चाहते हैं ऑटो पर, यानी कि आपने अगर इसके अंदर कुछ कोडिंग डाला है तो ये ऑटो पर रहेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहेगा। आप इसको हमेशा ऑन रखना चाहते हैं तो ये ऑन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ऑन है और यहाँ से फिर से ये ऑटो पर आ गया और फिर से ये ऑफ पर आ गया। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको लेते हैं ऑटो पर। जब भी आप टाइमिंग सेलेक्ट करते हैं तो उसको ऑटो पर रख दीजिएगा, आप फिर से भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब दोस्तों ये टाइमर है तो इसके अंदर आपको टाइमिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसके अंदर आपको क्लॉक का जो टाइमिंग है वो आपको ठीक से लगाना होगा, तभी आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से शेड्यूल हो पाएंगी। जैसे कि मैंने कहा कि इसको हमारी जो मोटर है वो दोपहर में 1 बजे ऑन करना है और 3 बजे ऑफ करना है, इसको क्या पता है कि दोपहर के 1 बजे या फिर 2 बजे, इसीलिए इसके अंदर है टाइमर, तो इसके अंदर टाइमिंग सेलेक्ट करना है। टाइमिंग सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लॉक बटन को आपको प्रेस करके रखना है, प्रेस करके रखना है, और यहाँ पे हवर और यहाँ पे है मिनट। आपको सबसे पहले डे सेलेक्ट करना है कौन सा डे है, ठीक है, मैं कोई भी एक डे सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलिए मैंने फ्राइडे सेलेक्ट कर लिया, आज है फ्राइडे। और हवर यानी कि आपको कितने बजे हैं वो सेलेक्ट करना है, यानी कि मैंने 2 हवर सेलेक्ट कर लिया, 5 कर लेता हूँ, ठीक है, चलिए 5 बजे सेलेक्ट कर लेता हूँ, 5:06, यानी कि आप कितना भी कर सकते हो, 5:10 हो गए, ठीक है। तो चलिए मैंने फिर से मेरा टाइमिंग सेलेक्ट हो चुका है, अभी इसको छोड़ देता हूँ। चलिए मेरा जो टाइमिंग है सिलेक्ट हो चुका है, आज है फ्राइडे, 5:10 हो चुके हैं, और ये जो चल रहा है AM, ठीक है, तो ये टाइमिंग अभी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। सबसे पहले आपको टाइमिंग सेलेक्ट करना होगा। अभी तो दोस्तों हमने क्लॉक को सिलेक्ट कर लिया है, अभी बात करेंगे इसके अंदर हम किसी भी चीज़ को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। हमने कनेक्शन दे दिया, 2 तार बैटरी को जोड़ दें ताकि हमारा रिले मॉड्यूल जो है वो एक्टिव हो जाए और वो रिले मॉड्यूल हमारी किसी भी चीज़ को ऑन कर जाए। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, ये मैंने ऑफ कर दिया और इसको रख दिया ऑटो में, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, शेड्यूल लगाते हैं। शेड्यूल लगाने के लिए हमें करना क्या होगा, टाइमर को दबाना होगा। अभी जो बज के हैं हमारे कितना बजे हैं, 5:15 हैं, वो हमारा टाइमिंग हो चुका है। मैं 5:18 का टाइमिंग लगाऊंगा, यानी कि 5:18 पे ऑन हो जाएगा और 5:19 पे ऑफ हो जाएगा। चलिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए ऑन का टाइमिंग है फ्राइडे है, AM है, 5:00, ये जो है 5 का टाइमिंग आ चुका है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे हम 18 कर देते हैं बस। देखिए अभी ये क्या बता रहा है, आप हावर से यहाँ पे 5 का सेलेक्ट कर सकते हो आंकड़ा, और मिनट से यहाँ पे मिनट सेट कर सकते हो। अभी ये चीज़ क्या है कि AM है, टाइमिंग है AM का, और ये ऑन हो जाएगा, पहला शेड्यूल है ऑन का, 5:18 पे इसको ऑन हो जाना है, ठीक है। अभी ऑफ का टाइमिंग लगाते हैं, तो फिर से एक बार टाइमर को प्रेस कर लो, तो यहाँ पे लगाएंगे हम फिर से 5 AM लगाना है, 5 AM 5। अभी 18 लगाया तो यहाँ पे 19 को ऑफ करेंगे, 18 19, तो यहाँ पे फ्राइडे इसके अंदर भी है। तो चलिए अभी फिर से क्लॉक में आ जाते हैं, पे यहाँ पे हो चुके हैं 5:16, ऐटो पे है या नहीं वो देख लो, टाइमिंग फिर से बराबर है क्या नहीं देख लो, तो टाइमर पे फिर से एक बार सेलेक्ट कर लो, देखिए 5:18 पे ऑन हो जाएगा, और फिर से बार टाइमर को प्रेस करेंगे तो 5:19 पे ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ का टाइमिंग है। तो चलिए फिर से आते हैं क्लॉक में। दोस्तों इस तरह हम किसी भी चीज़ को शेड्यूल कर सकते हैं, और इसको कर सकते हैं 18 बार, एक हफ्ते में 18 बार कर सकते हैं, चाहे आप कैसे भी कर सकते हो, एक आध हफ्ता भी, मतलब एक आध दिन कर सकते हो, या फिर पहले 2 हफ्ते यानी कि पहले 2 दिन कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरह यहाँ पे जिस तरह दिखा है तो उस तरह आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप पूरा हफ्ता सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर 1 दिन गायब कर सकते हो, या फिर दूसरा दिन गायब कर सकते हो, या फिर सभी दिन गायब करके लास्ट 2 दिन रख सकते हो। किसी भी तरह आप यहाँ पर जो टाइमिंग है वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी 1 दिन के लिए यानी कि 1 हफ्ते में किसी 1 दिन खास के लिए भी रख सकते हो। दोस्तों हमारा जो टाइमिंग है वो खत्म होते आ चुका है, हमारा 5:18 पे ये जो है गाड़ी ऑन हो जाएगी, यानी कि रिले मॉड्यूल एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 5:18 हो चुके हैं, और हमारा जो गाड़ी है यानी कि इसके अंदर का जो कंटिन्यूटी टेस्टर है ऑन हो चुका है, यानी कि हमारी फिलहाल ये समझ लो कि हमारी जो मोटर है ऑन हो चुकी है। अभी हमने क्या लगाया कि इसके अंदर टाइमिंग लगाया कि 5:19 पे ये ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा कि हमारी जो चीज़ें हैं वो चल चुकी है। तो जैसे कि दोस्तों हमने पहला शेड्यूल लगाया था, हमने एग्जाम्पल के लिए आपको पहला शेड्यूल सिखाया है, आप 18 बार लगा सकते हैं, कितना भी दिन में आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि आप 1 दिन का लगाएंगे तो 1 दिन में 18 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर पूरे हफ्ते में किसी भी दिन 18 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ जो है पहला सीख लेंगे। तो चलिए अभी 5:18 हो चुके हैं, हमारा टाइमिंग खत्म होते आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ही 19 हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। फिलहाल ये समझ लो कि हमारी मोटर ऑन हो चुकी है, और 1 मिनट का टाइमिंग होते आ चुका है तो ये ऑफ हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह 5:19 हो चुका और ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका, ये है इसका पहला फंक्शन।
अभी जो हम दूसरे फंक्शन के बारे में बात करेंगे इसके, वो है काउंटडाउन फंक्शन। काउंटडाउन फंक्शन ये है दोस्तों कि जैसे कि आप मोटर के पास हैं, समर्सिबल मोटर के पास हैं, और आप चाहते हैं कि अभी इसके ऊपर मैं टाइमिंग लगाऊंगा, यानी कि मेरी मोटर 2 घंटे चलेगी और बाद में ऑन नहीं होगी, यानी कि 2 घंटे तक आपको टाइमिंग लगा सकते हैं, या फिर 24 घंटे का भी लगा सकते हैं कि 24 घंटे तक ऑन रखेगा और बाद में उसको बंद करेगा। उसको आपको चलाने के लिए आपको करना क्या होगा, क्लॉक, उसको आपको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको क्लॉक और टाइमर बटन को दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना होगा। इस तरह मैंने प्रेस करके रख दिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा काउंटडाउन फंक्शन। तो इसके ऊपर आपको टाइमिंग सेलेक्ट करना है। अभी टाइमिंग सेलेक्ट कैसे करना है, जैसे कि मैं 1 मिनट तक ये चीज़ को ऑन रखूँगा और बाद में ऑफ करूँगा, तो वो कैसे करना है आपको, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि क्लॉक को दबा के पकड़ना है, ठीक है, दबा के पकड़ना है, और आपको यहाँ पे हावर हो तो हावर सेलेक्ट करना है और मिनट हो तो मिनट सेलेक्ट करना है। मैं मिनट सेलेक्ट करूँगा क्योंकि हावर करेंगे तो बहुत मतलब टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डे का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मोटर 1 मिनट तक ऑन रहे और बाद में ऑफ हो जाए। तो चलिए मैंने क्लॉक को पकड़ा रखा हूँ और मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1, ये हो चुका है 1। अभी इसको छोड़ देता हूँ, अभी मैनुअल फंक्शन दबा देता हूँ। अभी ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो चुका है, हमारी गाड़ी भी ऑन हो चुकी है। अभी ये 1 मिनट तक ऑन रहेगी हमारी मोटर और बाद में 1 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगी। ये है इसकी दूसरी खासियत, यानी कि काउंटडाउन फंक्शन। देखिए दोस्तों, मुझे ये 1 मिनट तक ऑन रखना था, ऑन है, अभी 1 मिनट हो जाने के बाद बंद हो जाएगा। देखिए 1 मिनट हो चुका है तो ये बंद हो चुका। तो इस तरह भी आप इसको टाइमिंग लगा सकते हैं काउंटडाउन फंक्शन की मदद से। फिर से आपको क्या करना है कि जाना है क्लॉक में, यानी कि दोनों ये प्रेस करके रखना है, टाइमर और क्लॉक दोनों को प्रेस करके रखना है, तो आप क्लॉक में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप टाइमिंग के अंदर आ चुके हैं। फिर से आपको काउंटडाउन फंक्शन वही सिलेक्ट करना है, तो आपको दोनों को दबा पकड़ना होगा, ये ले प्रेस करके रखा तो फिर से वो 1 मिनट आ जाएगा। फिर से इसको ऑन करने के लिए आपको ऑन करके रखना होगा, ठीक है। फिर से मैं वापस आ जाता हूँ बाहर। तो चलिए दोस्तों, ये तो काम हो चुका। अब करते हैं दोस्तों इसके तीसरे फंक्शन के बारे में, जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उनका कहना ये है कि आप मैनुअल को और टाइमर को एक साथ 3 सेकंड तक प्रेस करके रखिए। तो ये आ चुका है, ये तीसरा फंक्शन है। तीसरा फंक्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी बटन काम नहीं करेगा, बस डे का जो बटन है यहाँ पे इस तरह कुछ गिनती बन जाएगी, ये गिनती आ जाती है 30 तक। तो ये नहीं समझ में आया कि मेरे ये चीज़ है क्या, मुझे नहीं लगता कि इसका ज़्यादा कुछ मुझे काम भी होगा, ये बहुत एडवांस में है, लेकिन मेरे को भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। तो चलिए, यही सारे फंक्शन थे, आपको समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताना कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। फिर से मैं क्लॉक में आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें थे, यानी कि दोस्तों आप इस चीज़ से आप किसी भी चीज़ को शेड्यूल कर सकते हो, कब भी आप इसको ऑन कर सकते हो या कब भी ऑफ कर सकते हो। जैसे कि आज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है फ्राइडे है, तो मैं चाहता हूँ कि मंडे के दिन हमारी मोटर 2 घंटे चल जाए और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, तो वो भी काम बन जाएगा। तो बस दोस्तों, यही सारी चीज़ें थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और इसका जो प्रैक्टिकली वीडियो है आपको इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे जो बात है दोस्तों, ये जो मैनुअल है इसको मैंने फिलहाल ऑफ रखा है, अगर इसको हमेशा के लिए ऑन रखना है तो यहाँ पे आप ऑन भी रख सकते हैं। ऑटो के अंदर रखना है, यानी कि कुछ इसके अंदर आपने शेड्यूल किया तो आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और ऑफ़ रखेंगे तो ये कोई काम नहीं करेगा। अब दोस्तों, अब जो बारी आती है प्रैक्टिकल की, तो यहाँ पे देखिए 7:28 हो चुके हैं। मैंने शेड्यूल कर दिया है कि इसके अंदर एक पनडुब्बी मोटर है जो कि हमारी 7:30 पे ऑन हो जाएगी और 7:31 पे ऑफ हो जाएगी। तो चलिए ये लाइव डेमो आपको दिखाता हूँ। इसे मैंने क्या किया दोस्तों, ये जो 12 वोल्ट की ये जो पनडुब्बी है 12 वोल्ट पर जोड़ दिया है, तो सीरीज़ कनेक्शन में जोड़ दिया, यानी कि प्लस पनडुब्बी का प्लस इसको जोड़ दिया और पनडुब्बी का माइनस इसको जोड़ दिया, और बस एक पनडुब्बी का तार काटा है और उसके बीच में ये जो दो तारें जोड़ दी हैं, यानी कि सीरीज में जोड़ दिया है इन दोनों तारों को इस पनडुब्बी समर्सिबल मोटर को। चलिए यहाँ पे देखिए 7:29 होते आ चुके हैं, 7:30 पे ये जो है मोटर ऑन हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक ध्यान रखना होगा कि इसको ऑटो पे, यहाँ पे जो छोटी सी जो लाइन है उसको ऑटो पे रख देना होगा, तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है, बहुत सारा वक्त चला गया शूटिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए टाइमिंग खत्म होती आ चुका है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मोटर ऑन हो जाएगी।
ये देखिए 7:30 पे मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है, मैं सिर्फ पाइप पकड़ा हूँ। अभी देखिए 7:31 पे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जानी चाहिए। अब देखिए 10 मिनट बाकी हैं इस मोटर को ऑफ होने के लिए। देखिए ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो इस तरह कुछ जो चीज़ें हैं वो टाइमिंग के अनुसार ऑन ऑफ होती चली आएंगी। दोस्तों इसका अगला जो पार्ट 3 है आपको मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा पार्ट 3 तो उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं, या तो फिर मेरे सेकंड चैनल को विजिट कीजिए जिसके अंदर हम क्या करेंगे सबमर्सिबल मोटर को यही टाइमर आपको जोड़ के दिखाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।